Hello students, in this video we are going to learn about capacitor and its principle. Ab capacitor kya hai? It is an electrical device which can store electrical energy in the form of charge. Ek aisa device hai jahan pe hum electrical energy store kar sakte hai charges ke form mein. Ab wo kaise? To basically humne padha hua hai ki agar hum kisi bhi ek point pe agar charges leke aate hai na, matlab ek charge ke against agar dusra charge hum leke aa rahe तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है एंड वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. तो सेम फंडा जो है यहाँ पे यूज होने वाला है कि हम क्या करेंगे, चार्जेस के अगेंस्ट और चार्जेस लेके आएंगे एंड टू डू सो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक चार्ज को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा एंड वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा विच इज आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, अब हमने पढ़ा हुआ है जहां पे हमने ये देखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, वहां पे हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम इंफिनिटी से एक एक चार्ज लेके आ रहे थे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा था, एडअप होते जा रहा था, एडअप होते जा रहा था, एडअप होते जा रहा, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, राइट. सो वहां से वी नो दैट कि अगर मैं क्यू देखो, राइट, जो भी चार्ज है मेरा, दैट चार्ज डेफिनेटली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. चार्ज इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, मतलब जितना हम चार्जेस लेते लेके आएंगे, राइट, मतलब एक इंफिनिटी से चार्जेस लेके आएंगे उतना ही क्या होते जाएगा, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी. तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो प्रोपोर्शनैलिटी को हम लिखते हैं सी, क्या लिखते हैं सी, एंड ये सी का वैल्यू हो जाएगा फिर अपना क्यू अपॉन वी. तो सी क्या है, चलो सी होता है हमारा कैपेसिटेंस, क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. अब ये कैपेसिटेंस का मतलब कि ये कैपेसिटेंस क्या बताता है हमें, तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, है ना, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज एंड डेफिनेटली जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी. दैट मीन्स आप इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब कभी कभी ना क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कैपेसिटर एंड बैटरी में, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम ही है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है, बैटरी में भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, बराबर. तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो बेसिकली क्या होता है, यूजुअली हमें जहां पे क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड होता है, मतलब हमें ऐसे फटाफट एनर्जी चाहिए, है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, राइट. एंड जहां पे लाइक बैटरी का बात आता है, राइट, तो बैटरी क्या होता है, बैटरी स्लोली चार्ज होता है, मतलब वो स्लोली उसके अंदर एनर्जी सप्लाई होती है, स्टोर होती है, एज वेल एज जब उसको डिस्चार्ज होना रहता है तब वो डिस्चार्जिंग भी क्या होता है, स्लोली होता है. बट कैपेसिटर में नहीं है, कैपेसिटर विद इन अ सेकेंड चार्ज भी होता है, विद इन अ सेकेंड डिस्चार्ज भी होता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी. तो जहां पे हमें ऐसे क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं. सो नाउ ये हुआ कैपेसिटर, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड यू. तो देखो सबसे पहले तो क्या कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर जैसा वर्क कर सकता है, तो यस, कोई भी कंडक्टर जहां पे हम चार्ज को स्टोर कर सके वो कैपेसिटर जैसे बिहेव कर सकता है. ओके, बट उसका एक लिमिट होता है ना, चार्ज स्टोर, एक कंडक्टर का एक लिमिट होता है चार्ज स्टोर करने का, उसके ऊपर हम उसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, है ना. तो फिर उस वजह से क्या हो जाता है, उसकी जो टेंडेंसी है टू स्टोर चार्ज वो कम हो जाती है एंड वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो उस वजह से क्या किया जाता है, जैसे चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग एक प्लेट ले लेते हैं, ओके, ये एक प्लेट है हमारी, मेटल कंडक्टर है जहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज स्टोर किया हुआ है, क्या किया, पॉजिटिव चार्ज स्टोर किया, है ना. अब यहाँ पे वी नो दैट कि जो जितना हम चार्ज स्टोर करेंगे उतना ही पोटेंशियल का वैल्यू भी होगा एंड ड्यू टू इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ पोटेंशियल हम इसके ऊपर फर्दर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, मतलब इसका भी एक मैक्सिमम लिमिट होगा पोटेंशियल का, इस प्लेट का, ओके. तो इसके ऊपर हम, अब इसका अगर मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो गया तो उसके बाद हम उसके ऊपर और चार्जेस स्टोर नहीं कर सकते, तो वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, राइट. अगर आप इसके ऊपर और चार्जेस स्टोर करने का ट्राई करोगे तो वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, एयर में लीक हो जाएंगे, राइट. सो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब
डेफिनेटली एज आई सेड राइट कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो हम लोग और उसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, तो क्या कर किया जा सकता है, तो इसका मुझे इसके ऊपर अगर और चार्जेस मुझे स्टोर करना है तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज है उनको कम कर दें तो उससे पोटेंशियल कम हो जाएगा और चार्जेस आप उसके ऊपर ला सकते हो, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज को कम कर दिया एंड फिर से चार्ज ला रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो वॉट वी कैन डू हियर, वी कैन रिड्यूस इट्स पोटेंशियल, हम इस प्लेट का क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल रिड्यूस कर सकते हैं। ओके अब इनिशियली अभी यहाँ पे अगर मैं इसका कैपेसिटेंस ले लूँ तो चलो इसका पोटेंशियल वी है एंड इसके ऊपर चार्ज जो स्टोर हुआ है वो क्यू है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल इसका कैपेसिटेंस है क्यू अपॉन वी अभी फिलहाल के लिए। ओके नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन अनदर प्लेट, हम यहाँ पे एक और प्लेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, एक अनचार्ज्ड प्लेट है और एक अनचार्ज प्लेट हमने यहाँ पे कर दिया इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेस, ये पॉजिटिव है राइट, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट के एक तरफ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस प्लेट के अंदर दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इसके अपोजिट साइड में क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे बराबर राइट। क्या हुआ जैसे ही हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लाके रख दिया, व्हाट विल हैपन, ये जो इसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वेयर जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्लेट को हम लोग ग्राउंड कर देंगे, क्या कर देंगे ग्राउंड, ग्राउंड कर देने का मतलब हमने एक वायर कनेक्ट किया एंड उसको ग्राउंड में अर्थ में डाल राइट, तो हमने उसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड का सिंबल है। सो व्हाट विल हैपन, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये तो अट्रैक्टेड है ये पॉजिटिव चार्ज से है ना, पॉजिटिव चार्ज उनको पकड़ के रखेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ पे वो फ्री है वो क्या हो जाए, एज वेल एज ये जो पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये चार्जेस जो है वो फ्लो होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे है ना। जब ये चार्जेस ग्राउंड में चले गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, यहाँ पे क्या बचेगा पॉजिटिव है नेगेटिव। ओके सो अब अगर हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहिए है ना, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, अब चलो यहाँ पे लिख लेते हैं C2। अब बच्चा लोग देखो हमें पता है ये नेट सपोज इसका पोटेंशियल वी है, ये प्लेट की वजह से पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं V1। अब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा ऐड होगा, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा ऐड होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, तो अगर ये हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ ही जाएगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा राइट, सो पोटेंशियल नेगेटिव। तो अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में ये हमने प्लेट रखा हुआ है ना, मतलब हमारा जो एक्चुअल प्लेट है वो इस नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में, तो ये नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा रिड्यूस, क्योंकि अगर हम सम करने जाए पूरे सिस्टम का पोटेंशियल तो सम करने जाओगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर सम करने जाएंगे हम लोग तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ V2 ले लेते हैं, V2 विल बी इक्वल टू V1 इनिशियल का इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल मैं ले लेता हूँ V-, क्या ले लेता हूँ V-, V- अमाउंट है इसका, बट ये नेगेटिव साइन क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा V2 हो गया बराबर, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट इसका पोटेंशियल क्या हो गया रिड्यूस हो गया। अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया है ना हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई ना, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई मतलब ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं वहां पे और चार्जेस स्टोर कर सकते हैं है ना, टू रीच इट्स अगेन इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल का वैल्यू राइट।
सो सी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे, क्यू अपॉन वी टू, राइट? डेफिनेटली इनिशियल होगा वी हमने लिखा हुआ है, फाइनल वाले का वी टू लिख रहे हैं, तो सी टू विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वी माइनस वी डैश, वी माइनस वी डैश। ओके, अब अगर आप कंपेयर करोगे बच्चा लोग, देखो सी वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, सी टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी माइनस वी डैश। ऊपर चार्ज तो हमने सेम ही रखा हुआ है, चार्ज हमने सेम रखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर के बात करें तो डिनोमिनेटर यहाँ पे देखो वी है, बट यहाँ पे क्या है वी माइनस वी डैश है, तो डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, न्यूमिनेटर वैसा का वैसा है, डिनोमिनेटर आपने रिड्यूस कर दिया, डिनोमिनेटर रिड्यूस कर दिया, तो डेफिनेटली हमारा जो ये रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सी टू की वैल्यू विल बी मोर देन सीवन, सी टू की वैल्यू विल बी मोर देन सीवन, राइट? तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हैं। ओके, हमने क्या किया, हमने एक जो अनचार्ज कंडक्टर रख दिया इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के सामने, तो वहां से क्या हो गया, यहाँ पे हमारा चार्जेस इंड्यूस हो गए, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, एंड अपोजिट साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड को चले गए। अब ये नेगेटिव चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वैल्यू इस वाले चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगी, तो सी टू की वैल्यू डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगी, बढ़िया, राइट? सो ये है बेसिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई होप आपको ये कैपेसिटर एंड इसका जो हमारा प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट। एंड अगर आपको ये वीडियो एंड कंसेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव अ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।